हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वासुदेव, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लंदन एंड जनरल बैंक केस के बारे में। जो लोग भी कॉमर्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं और जिन लोगों का पाला ऑडिटिंग से पड़ता है, उनको ये केस देखने को जरूर 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 मिलता है। कुछ लोग आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो लोग भी ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑडिटिंग पढ़ चुके हैं या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग में ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें ऑडिटिंग पेपर आता हो, उसमें इस केस का एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। अब जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि इस केस के जो 3-4 पॉइंट है वो स्टूडेंट्स रट लेते हैं, रट्टा मारते हैं कि ये पॉइंट रट लो, बस यही है इस केस में। ऐसा नहीं है। आज हम लोग इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस केस में आखिर ऐसा हुआ क्या था, ऑडिटर्स के साथ ऐसा हुआ क्या था, ऑडिटर पे क्या कार्रवाई हुई थी, कौन से कंपनी के डायरेक्टर थे, कैसे ये केस चला, क्या हुआ था जब ये केस कोर्ट में गया था। तो आज हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और इस केस को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये केस था क्या, इस केस में आखिर हुआ क्या था। तो फ्रेंड्स, ये एक बैंक का केस है। बैंक की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो बैंक का होता है इंटरेस्ट। बैंक पब्लिक से जितना भी पैसा लेती है उस पैसे को वापस पब्लिक को ही या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बड़ी बड़ी कंपनीज को या बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, मतलब कंपनीज को, पर्संस को, पब्लिक में वापस वही पैसा देती है जिनको उस पैसे की जरूरत होती है, और बैंक उनसे बदले में इंटरेस्ट लेती है। तो बैंक, इस बैंक के साथ क्या हुआ था कि बैंक ने विदाउट सिक्योरिटीज या कम सिक्योरिटीज के साथ में ओवरड्राफ्ट वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े लोन्स इश्यू कर दिए थे पब्लिक को या बड़ी बड़ी कंपनीज को। इसने विदाउट सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा लोन बांट दिए थे बैंक ने। लेकिन हो क्या रहा था, न तो बैंक के पास सिक्योरिटी थी लोन की और बैंक को टाइम पे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो जब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था बैंक को, तो बैंक को वास्तव में वो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था जो बुक्स में शो हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। बैंक ने, पहली बात तो विदाउट सिक्योरिटीज, इस बैंक ने, लंदन एंड जनरल बैंक ने विदाउट सिक्योरिटीज पब्लिक को या कंपनीज को लोन्स इश्यू कर रखे थे, उस लोन का इंटरेस्ट बैंक को वास्तव में मिल ही नहीं रहा था। कभी भी बैंक का जो पीएनएल अकाउंट होता है उसमें जो बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। हालांकि बुक्स के अंदर, मतलब कागजों में, वो इंटरेस्ट बैंक को मिल नहीं रहा था, फिर भी कागजों के अंदर वो इंटरेस्ट बैंक अपने पीएनएल अकाउंट में शो कर रही थी। और बैंक पब्लिक को, शेयर बैंक के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको यह जाहिर करना चाह रही थी कि बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसा कहीं भी नहीं जा रहा है। क्योंकि शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं वो कंपनी के साल खत्म होने पर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है। लेकिन हो क्या रहा था कि बैंक का जो पीएनएल अकाउंट है उसमें प्रॉफिट तो बताया जा रहा था, लेकिन वास्तव के अंदर बैंक को इंटरेस्ट कभी मिल ही नहीं रहा था। और कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस जनरल मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, वो शेयर होल्डर्स कंपनी के जो डायरेक्टर लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर मिलके चुनते हैं, वही डिविडेंड डिसाइड करते हैं कि कंपनी इस साल में कितना लाभांश डिक्लेयर करेगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, बुक्स में जो प्रॉफिट शो हो रहा था, तो 3 फरवरी 1892 को कंपनी का जो ऑडिटर था उसको ये बात पता पड़ी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी की ट्रू वैल्यू प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में उतना प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इस साल में डायरेक्टर को कंपनी ने कहा था कि कंपनी का जो पीएनएल है वो राइट नहीं है, इसको पीएनएल को करेक्ट किया जाए और इस साल में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाए। अगर
कंपनी उस साल में एकदम से कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी से सारा पैसा निकाल लेते, क्योंकि बैंक एक कंपनी ही होती है। मैं बार बार कंपनी बोल रहा हूँ, बैंक एक कंपनी ही होती है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक के मेनली बैंक के पास पैसा बैंक के शेयर होल्डर से आता है। बैंक के शेयर जिन्होंने खरीद रखे होते हैं उनको बैंक को वो कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। तो हुआ ये था, ऑडिटर्स ने बैंक के प्रेसिडेंट को ये बात बता दी थी कि इस साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो जो शेयर होल्डर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, और ये शेयर होल्डर्स की कैपिटल के साथ छेड़ाखानी करना बहुत गलत होगा। तो बैंक के प्रेसिडेंट ने ऑडिटर को यह विश्वास दिलाया कि इस बार जो बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, क्योंकि हर साल कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो एक जनरल मीटिंग बुलाती है, उसमें शायद शेयर होल्डर आते हैं, तो शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखा जाता है। कंपनी के जो बैंक के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक प्रपोजल रखते हैं शेयर होल्डर्स के सामने कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, और एक रेजोल्यूशन पास होता है। तो बैंक के प्रेसिडेंट ने ऑडिटर को ये कहा था कि आप मीटिंग में कुछ भी नहीं बोलोगे, मैं शेयर होल्डर्स को अपने आप ही ये बात बता दूंगा, आप अपनी रिपोर्ट में ये लिख दो कि बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू वैल्यू प्रदर्शित करते हैं। तो ऑडिटर ने बैंक के प्रेसिडेंट पे विश्वास करके और कंपनी के जो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट है वो एकदम सही रूप से बता दिए, लेकिन हाँ उसमें एक छोटी सी लाइन जरूर लिखती थी कि बैंक की जो असेट है वो उनकी रियलाइजेशन वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब बैंक की जो संपत्तियां हैं वो उनकी वसूली पर निर्भर करती है, कि बैंक की असेट जो दिख रही है वो है नहीं, वास्तव में अगर इनको बेचा जाए तो क्या मिलेगा। तो ये डाउट डाल दिया था शेयर होल्डर्स को ऑडिटर ने। अब शेयर होल्डर ऑडिटर ने ये सोचा कि शेयर होल्डर्स को हम लोग ये डाउट डालते हैं कि बैंक की असेट है जो ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ऑडिटर शायद शेयर होल्डर शायद ये पहचान जाए कि बैंक में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो बैंक के प्रेसिडेंट ने मीटिंग में कुछ भी नहीं कहा और 7% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंड्स उस साल में बैंक के डायरेक्टर्स ने बैंक के प्रेसिडेंट ने 7% डिविडेंड डिक्लेयर करा, जो शेयर होल्डर्स की कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कैपिटल में से, धीरे धीरे बैंक डूब गया है और सारी जिम्मेदारी ऑडिटर की ही थी। क्योंकि आज अगर आप किसी कंपनी के अंदर या किसी बैंक के शेयर खरीदते हो तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट देख के खरीदते हो। बैंक के जो ऑडिटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स रखते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो ट्रू कमेंट्स रखते हैं, लेकिन बैंक के ऑडिटर ने जानते हुए कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है फिर भी रिपोर्ट सही रिपोर्ट दे दी। इसका मतलब ये था कि शेयर होल्डर्स उस रिपोर्ट पे विश्वास करके और चलते रहे, लेकिन एंड टाइम पे आते आते बैंक डूबने की कगार पे आ गया। और एंड में जब सबको ये पता पड़ा कि बैंक डूबने की कगार पर है तो शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर्स पे केस कर दिया कि उन्होंने हमारे को सही वैल्यू नहीं बताई थी और हमारी कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। तो इससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस दिए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस केस से रिलेटेड कोर्ट ने जो रिजल्ट दिए थे, जो निष्कर्ष दिए थे वो क्या थे, जिनको आप मोस्टली गाइड बुक में पढ़ते हो या किसी ऑडिट की बुक में पढ़ते हो, वो यही रिजल्ट होते हैं। केस इसके पीछे के जितने भी रीजन थे वो 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, केवल इन्हीं को पढ़ते हैं और इन्हीं को रट्टा मारते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, इनको भी समझना पड़ता है। देखिए पहला पॉइंट क्या था, ऑडिटर का कर्तव्य शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर को सलाह देना नहीं है। मतलब ऑडिटर कभी भी डायरेक्टर को और कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हो उनको अपनी राय नहीं देता है, अपनी सलाह नहीं देता है, वो केवल शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करता है और शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पे कंपनी से रिलेटेड ये सूचना देते रहता है कि कंपनी की पोजीशन खराब है, सही है अच्छी नहीं है, जो भी बात है शेयर होल्डर्स को उसको बता देनी चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर।
वो कभी सलाह नहीं देने का काम करता है। नंबर टू, ऑडिटर का कर्तव्य कंपनी के जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, सही वित्तीय स्थिति प्रकट करना है। ऑडिटर हमेशा कंपनी की सही वित्तीय स्थिति ही प्रकट करता है। अगर ऑडिटर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसको लगता है कि कंपनी की असेट उनकी सही वैल्यू पे नहीं है, कंपनी ने अपने पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट बता रखा है वो सही वैल्यू पे नहीं है, तो ऐसी सही रिपोर्ट ऑडिटर को बैंक से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड कभी भी नहीं देनी चाहिए। ऑडिटर का कर्तव्य यही है कि कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान अपने शेयर होल्डर्स को करवाए। कोर्ट ने यह भी कहा, ऑडिटर एक इंश्योरर नहीं है, ऑडिटर बीमक नहीं है, वो पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। मतलब इस केस में ऐसा हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल सही आई, ऑडिटर ने बैंक से रिलेटेड रिपोर्ट जो दी वो बिल्कुल सही दी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट सही होने के बाद भी घपला घोटाला था। इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिटर अगर सही रिपोर्ट दे देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ऑडिटर कोई कंपनी का बीमा नहीं करवाता है। ऑडिटर को अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए, ऑडिटर को कभी भी शेयर होल्डर से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, जो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी के शेयर होल्डर्स को बतानी चाहिए। ऑडिटर को हमेशा अपना काम चतुराई से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाउटफुल कंडीशंस में, शंका युक्त परिस्थिति, आप पढ़ते होंगे, शंका युक्त परिस्थिति में ही ऑडिटर को चतुराई से काम नहीं करना चाहिए। हर कंडीशन में, चाहे डाउटफुल कंडीशन है चाहे डाउटफुल कंडीशन नहीं है, ऑडिटर को अपना काम हमेशा चतुराई से ही करना चाहिए। यदि ऑडिटर कंपनी के लेखों से असंतुष्ट है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑडिटर को यह बात शेयर होल्डर्स को बतानी चाहिए। और शेयर होल्डर्स को हिंट देना ही ऑडिटर का काम नहीं होता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वित्तीय विवरणों के अंदर कंपनी के, ऑडिटर को यह लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो शेयर होल्डर्स को खाली हिंट नहीं देना चाहिए। जैसे इस केस में शेयर होल्डर को ऑडिटर ने यह हिंट दिया था कि असेट की वैल्यू सही नहीं है, वो उनकी वसूली पर निर्भर करती है, यह हिंट जरूर दे दिया था ताकि शेयर होल्डर्स के दिमाग में डाउट आए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन पकड़ में आए नहीं थे क्योंकि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था। और प्रेसिडेंट ने जो पॉजिटिव कमेंट्री पास करी थी बैंक के बारे में, तो शेयर होल्डर्स को कुछ आशंका ही नहीं हुई कि बैंक में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो शेयर होल्डर्स को हमेशा हिंट नहीं, पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो ये पूरा था लंदन एंड जनरल बैंक केस जो घोटाला हुआ 1895 के अंदर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं, मैं विचार करके नेक्स्ट वीडियो आपके सबके लिए प्रिपेयर करूंगा। थैंक यू, वेलकम टू माई चैनल।